युवा कांग्रेस ने पुलिस पर केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को जबरदस्ती दबाने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। गौरतलब है कि पिछले कल भी युवा कांग्रेस द्वारा सोलन में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया था, जिसमें पुलिस मुख्यमंत्री का पुतला छीनने में नाकाम रही थी। धर्मशाला में आज पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर जबरदस्त छीना झपटी हुई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का पुतला जलाने नहीं दिया। जब पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से छीना तो कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। पूर्व युवा कांग्रेस महासचिव युद्धपति ठाकुर ने कहा कि पुलिस प्रदेश सरकार की कठपुतली बनी हुई है और जो आदेश सरकार पुलिस को दे रही है वैसा ही पुलिस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार के आदेश पर ही पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाकर जोर जबरदस्ती की और शांत तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री का पुतला छीना। उन्होंने कहा कि पुलिस की जोर जबरदस्ती से कई कार्यकर्ताओं के हाथों में खरोंचें आई हैं। उन्होंने सरकार को चेताया है कि वह पुलिस और सरकार की तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के रवैया यूं ही तानाशाही वाला रहा तो प्रदेश युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। की गई सर, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस ने जोर जबरदस्ती की और पुतले छीनने में हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में जो पुतले का सभी के हाथों में स्क्रैचेस भी आए हुए हैं। ये युवा कांग्रेस ने आज जो पीसफुल मार्च का आयोजन किया था उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी परमिशन लेके रखी थी, लेकिन हमारे विरोध को, हमारा जो शांतिपूर्वक जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसको पुलिस ने जो है जोर जबरदस्ती से जो है दबाने की कोशिश की है, जिसका जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का युवा जो है विरोध करता है। और युवा कांग्रेस जो है डरने वाली नहीं है, प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ जो है हम आवाज बुलंद करेंगे और आने वाले दिनों में हमारा जो विरोध प्रदर्शन है और भी उग्र होगा। ये पुलिस ने खुद से तो नहीं किया होगा, किसी के आदेश निर्देश? बिल्कुल, पुलिस तो कठपुतली है, कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। दिशा निर्देश तो प्रदेश सरकार की तरफ से इनको दिए जा रहे हैं, जिसकी जो है पूरी युवा कांग्रेस जो है निंदा करती है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इन पुलिस वालों से और प्रदेश सरकार से डरने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में हम प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी हमें आदेश होंगे उनको लेकर जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और इन दमनकारी नीति और गलत नीतियों के खिलाफ जो है हम पूरे जोर से जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी जगदीप सिंह डागर ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब मोदी ने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने वादा किया था कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने किसी को भी रोजगार नहीं दिया है, जिस कारण आज पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इसी दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी भेजा। इसका मकसद यह है, ये प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से है, पिछले 4 साल से मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं लोगों को जॉब देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी है और लोगों पर तरह तरह के टैक्स लगा के लोगों को परेशान किया गया, युवा को परेशान किया गया। उसी के लिहाज से हमारे पूरे स्टेट में यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में मोदी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पुतला ज्ञापन दिया, वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को दिया कि जो आपने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, लोगों को बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं 2 करोड़ रोजगार पैदा करूंगा, पैदा किए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी ऐसे इतने रोजगार पैदा नहीं है कि देश का युवा घर घर बढ़कर आया है अच्छी पढ़ाई। और आप बोरे के आप पकौड़े तलो, ऐसे जुमलेबाजी कर रहे हो, तो उसी के लिए वाले डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, देश के मुख्यमंत्री के थ्रू और देश के प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन दिया। आपका नाम?